दतिया में इन दिनों जनता भीषण गर्मी से परेशान है और ऊपर शहर में भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है। वहीं अघोषित विद्युत कटौती लोगों की और अधिक परेशानी बढ़ा रही है। इस सभी जन समस्याओं को लेकर दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने जिला प्रशासन को जन आंदोलन की चेतावनी दी है। दतिया शहर में इन दिनों घोर जल संकट चल रहा है। यहाँ 3-4 दिन में एक दिन नलाते हैं, वह भी थोड़ी देर के लिए। नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर है नागरिक। दतिया में सर पानी की बहुत समस्या खराब है, वो 5 से 6 दिन में नलाते हैं, वो पानी इतना गंदा आता है कि पानी पीने के लायक भी नहीं है, नहा भी नहीं सकता है आदमी, पीना तो बहुत दूर की बात है। नहाना भी बहुत इतना गंदा है कि जैसा नाली का पानी होता है वैसे ही पानी आ रहा है, बिल्कुल काला एकदम। आपका कौन सा वार्ड है, क्या है अभी वर्तमान में? 13। क्या स्थिति है अभी आपके वार्ड में? स्थिति ये कि 5 से 6 दिन में नहलाते हैं, पानी आता नहीं है, नगर पालिका पानी की टैंकर नहीं भेजती है पार्षदों को, तो पार्षद सुनता नहीं है। पार्षद कहते हैं आपने वोट नहीं कराया है हमारे लिए, इसलिए नहीं आपके आपके एरिया में पानी नहीं मिलेगा। तो कैसे मतलब कहाँ से जाते हैं? हम अभी हैंडपंप से भरते हैं, नदी आई है मतलब जहाँ पे भी हैंडपंप मिलता है उधर से पानी भरते हैं। रात में 1-2 बजे तक पानी भरता हूँ, मेरा पूरा घर पानी भरता है, मेरा भाई भी पानी भरता है। गाड़ी चला में गाड़ी से पानी भरने में कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल लगता है जब घर का पानी भरता है, फिर उसके बाद में आदमी यूज करता है उसी को पीता हूँ। दतिया में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 47-48 डिग्री चल रहा है और ऐसी गर्मी में शहर के हैंडपंपों पर भरी दोपहरी में भीड़ लगी रहती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिला, सब पूरे दिन पानी के लिए हैंडपंप पर दौड़ लगाते रहते हैं, क्योंकि इन दिनों दतिया में घोर जल संकट चल रहा है। यहाँ 3-4 दिन में और कहीं कहीं 5 दिन में एक दिन नलाते हैं, वह भी थोड़ी देर के लिए। नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नागरिक तपती दोपहर में हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं। गरीब लोगों की समस्या यह भी है कि वे मजदूरी करने जाएं या पानी भरने। हमारा नाम है सतीश कुमार पटवा। कहाँ के निवासी हो? फाटक बार मुन्नी सेठ की तलैया। तो दतिया में जो पानी की सप्लाई की स्थिति क्या है? पानी की सप्लाई की तो साहब कभी नल बंद है, कभी 4-6 दिन में आ रहा है, कभी टंकी नहीं भर रही, गर्मी में बहुत परेशान हो रहा है। नहाने धोने की तो छोड़ो, पानी पीने के लायक 2-4 डिब्बा मिल जाए उतना ही बहुत है। कभी बोलते हैं कि चुनाव के पहले आए थे तो बोलेंगे हेडपम्प से दरवा देंगे, उसमें एक आध पानी थोड़ा पाइप वाइप गड़बड़ा है, लीकेज है क्या है, तो हम डलवा देंगे। अब वही चुनाव निपट गए, अभी तक कोई आया नहीं है, मेंबर का पता नहीं रहता, बोल जाते हैं चले जाते फिर झाँकते तक नहीं है क्या स्थिति है। तो मुन्नी सेठ की तलैया के निवासी, वहाँ पे क्या है जल स्रोत है, स्थिति है, कोई हेडपम्प वेडपम्प लगा है उधर? क्या कहाँ से बन रहा है? हेडपम्प लगा है पूरी के मोहन नाम है, तो भाई डब्बा लगा के सब 4-4 डब्बा लगा के आधा आधा घंटा 1-1 घंटा इंतजार करते हैं, नंबर लगा के भाई 2-4 डब्बा हमको मिल जाए, 2-4 किसी और को मिल जाए पीने के लिए, दिन और रात बराबर इंतजार हो गया डब्बों का, रखे रहते हैं और किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता, कोई काम का परेशान है कोई काम पर नहीं जा पाता है। दतिया शहर के बीच शहर का मोहल्ला है जहाँ पानी सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, पानी नल तो जोड़ना बहुत दूर की बात है, कोई कह जाता है कि नल डलवाएंगे और अभी तक कोई पता ही नहीं है। नाम है तुम्हारा? हरी हरी। पानी भरवे का आए थे? आए वहाँ चलिए वहाँ लगा नल नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है, तब से नहीं आ रहे? अरे आज रात कब रात कब नहीं आ रहा। अच्छा, नल को काट कर दो। तो कितने दूर हैडपम्प है जो? हैडपम्प तो सही ले जाता है, हैडपम्प सही बन लेगा। तो कितने दूर है हैडपम्प तुम्हारे दुकान घर से? जो कहा को बल्ली दुकान से। बल्ली दुकान के होंगे तो कितने दिनों में आ रहा नल जो तो बताओ? अब जितना में हम नल पे जाते ही नहीं है, बाकी नल लगा ही नहीं है। नल नहीं लगाए? अच्छा, मोहल्ला में आए नहीं है नल? बाकी तो नहीं है लेकिन नल झील पर नहीं है। वहीं शहर को पानी देने में नाकाम नगर पालिका के नुमाइंदे अपनी असफलता का ठीकरा बिजली कटौती पर फोड़ देते हैं। वर्तमान में नगर पालिका पेयजल सप्लाई कर रही है, पर मुख्य रूप से सभी को ऐसा दिखता है कि नगर पालिका ही इसके लिए जिम्मेदार है, पर इसमें दो विभाग और हैं जो पेयजल सप्लाई में नगर पालिका के साथ में काम करते हैं। सबसे पहला तो है जहाँ से हम पानी लेते हैं अंगूरी बैराज पे, जो WRD डिपार्टमेंट का डैम बना हुआ है, उसमें पानी का लेवल कम हो गया है, जिसके कारण वहाँ से मोटरें भी कम पानी ले पा रही हैं, कम पानी को पंप कर पा रही हैं, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है विद्युत की समस्या। टंकी
भरने तक दो जगह लाइट की आवश्यकता रहती है, एक जहाँ से पानी उठा रहे हैं अंगूरी बैराज पर, और एक जहाँ पानी को हम फिल्टर करते हैं मामा के डेरा प्लांट पर। जब दोनों जगह लाइट होती है तब पानी टंकी तक पहुँचने की स्थिति में आता है, और पिछले महीने भर से लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है कि दोनों जगह लाइट 10 से 12 घंटे ही मिल पा रही है। कभी अंगूरी बैराज की लाइट चली जाती है तो पंपिंग स्टेशन बंद करना पड़ता है, कभी मामा के डेरा की लाइट चली जाती है, और लगातार 5-5 घंटे की कटौती इन दोनों स्थानों पर हो जाती है। एमपीवी से ही बात करते हैं तो वो लोग भी गर्मी का बहाना रीज़न देते हैं कि गर्मी के कारण लाइनों में फॉल्ट हो रहे हैं। तो मुख्य कारण तो ये है कि टंकी तक पानी ना पहुँचने का, कि लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या नगरपालिका को इस समय आ रही है। अच्छा, लाइट की अगर समस्या है तो वैकल्पिक रूप से इन्वर्टर या जनरेटर की व्यवस्था नहीं है क्या? उसके लिए हमने जनरेटर के टेंडर किए थे, एक माह पहले निविदा आमंत्रित की थी, पर उसमें किसी कारणवश ठेकेदारों के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनमें कमी के चलते टेंडर को निरस्त किया गया, और फिर 4 मई को उन्हें निविदा जारी की गई थी, जिसकी निविदा 20 तारीख को खोली गई है, और कल उनके टेंडरों को खोल के जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। दतिया में बेहताशा बिजली कटौती और घोर पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दतिया में हद से ज्यादा बिजली कटौती की जा रही है। दतिया में सिर्फ 8 घंटे बिजली दी जा रही है और शहर में जबरदस्त पेयजल संकट है। अधिकांश शहर 1 सप्ताह में 1 दिन नल आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने इन समस्याओं के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री हार से बौखलाए गए हैं। शहर में कटौती और पेयजल संकट पूर्व गृह मंत्री की देन है। कांग्रेस के लोग इन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर न्यायालय भी जाएंगे और विधानसभा में भी यह मुद्दे उठाएंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन देंगे कलेक्टर को, उसमें उनसे आग्रह करेंगे समय सीमा के अंदर पानी और बिजली के संकट का को दूर करें। यदि जिला प्रशासन और शासन पानी संकट का, बिजली संकट का और कानून व्यवस्था का के संकट को लेकर कोई निराकरण नहीं करता है तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, न्यायालय तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।